पन्ना जिले के ककरहटा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर दबंगई का आरोप लगाते हुए बताया कि बिना कोई काम किए ही पंचायत से राशि निकाली जाती है। गांव में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। जब हमारे संवाददाता ने ककरहटा ग्राम पंचायत के बारे में पन्ना कलेक्टर को बताया तो उन्होंने सरपंच सचिव पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों से आवास बनवाने के लिए 20,000 रुपये मांगे जाते हैं, इसको लेकर के परेशान है। शौचालय के जो पैसे हैं वह 20 सरपंच सचिव वापस ले लेते हैं। ग्राम पंचायत का शासकीय बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, जिसमें गेहूं व चने का भूसा भरा हुआ है। आगे अब देखना यह होगा कि सरपंच और सचिव पर क्या कुछ कार्यवाही होती है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। आचार्य के रूप में पंचायत चल रही है सर जी, ना कोरोना के जो मास्क के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिए थे, किसी को मास्क नहीं बटा इस बस्ती में, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पर। जो नाली हैं जी, सब पैसा खा लिए, सब बहता भागता है पानी। जो मेड़ बंधान है, किसी की मेड़ बंधान नहीं पड़ती है, किसी की माटी खुरपा में छील लई और पैसा निकाल लिए, अपने घरों के नाम भर भर के लिए मैं खातों में निकाल रहे हैं। एक तालाब खुदा है, बलराम तालाब बनाया गया, जिसमें चमारकुरी हरजन लोगों ने माटी डाली। आज भी मौके पर कहने वाली हैं, चिल्ला रही हैं, कहते हैं कि हमारा पैसा पड़ा है मालिक साहब। उन्होंने अपने पूरे परिवार के, सरपंच ने, सरपंच के परिवार के आदमी ने, उन बहू भतीजो भौजाई सभी के नाम भर भर के, और जिनके मास्टर जारी हैं, मास्टर सामने हैं, इन लोगों ने पैसा अपने निकाल निकाल और मजदूरों का पैसा अपने घर में यूज करते हैं, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करते हैं। आवास की स्थिति बड़े बड़े लोगों के, जो कि जिसके 20,000 रुपये हों, उसकी स्थिति चालू है, और गरीब लोगों के जिसके पास 20,000 रुपये आगे देने के लिए नहीं है, उसको पिछड़ा। गांव में कितने शौचालय उपयोग में आ रहे हैं? एक उपयोग में नहीं है, बनाया 60-70 ठैया है। एक उपयोग में हो अगर इस बस्ती में, निगाह जाए आज देख लो जाए, अगर एक उपयोग में हो अगर इस बस्ती में। अब हम लोग ये चाहते हैं कि गांव का विकास होना चाहिए, गरीब जो कल्याणकारी योजना का उसका पालन होना चाहिए, गांव की व्यवस्था होना चाहिए, गरीब आदमी इनकी जो मजदूरी पड़ी है उनको मजदूरी मिलना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 5 का पंच हूं सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुन भाई, मेरी पत्नी का। कौन सी ग्राम पंचायत है? ककरहटा। ना कभी मीटिंग ली जाती, ना कभी बुलाया जाता, किसी के ऊँठा कर लिए जाते, किसी का कुछ कर लिया जाता है, मन मुताबिक काम किया जाता है। सेवा परिवार, सेवा लागे परिवार, लागे लूट घसू, इस पंचायत में कुछ नहीं है। सेवा पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, सारी चीजन का अव्यवस्था, कल्याणकारी योजना का सब दुरुपयोग, पैसा सरकार की पैसा सब दुरुपयोग में डाला। घर में शिक्षक है वो राम प्रताप राज। अरे से कट्टी और सरपंच ने पैसे खा लिए हमारे। काय के? शौचालय की। शौचालय हमारा बन गया, हमने घर से पैसे लगाए तब बनाया हमने शौचालय। बोल रहे थे कि हम बना देंगे, वो पैसे नहीं आए हमारे शौचालय की। किसको दिए थे घर में? हमारे छोटे भाई को दिए थे। फिर क्या हुआ था? पहले वो आए तो बोल रहे थे कि दूसरे के पैसे, इसलिए वजह से हम उसने दे दिए, हमको मरण मन था। कितने पैसे ले गए? वो 6,000 ले गए थे। और बात में फिर आपने जब उनसे कहा तो उनने बोला कि मिल जाएंगे, तुम्हारे पैसे मिलती नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। फिर नहीं बनो? किस कारण से? इस कारण से नहीं बनो जो उम्र लिख दिया मेरे तक घर वाली को, फिर दो आवेदन लगा है तो वो नाम सही भाव। इसके बाद में फिर कहा था टू रूम में है, तो अब टू रूम की लिस्ट अब उठ तैयार है 4 साल, और रुपया मांग रहे। कितने रुपया? पुरानो सर सरपंच सेक्रेटरी मांगा तो 20,000, नव मांगा थे 10,000। सेक्रेटरी कौन है आपके यहाँ पर? हम नाम तो हम नहीं जानी जो राम मोहन तिवारी है। क्या कह रहा है? जो हम 10,000 चाहिए अपन घर तो बयाने हैं तो आवास, और यहाँ पर जो साफ नहीं चल पाओ, जो कितनी टाइम पैसा खप गए, और जो उनसे कहे जो काम लगवा सरपंच सेक्रेटरी कहा था पंचायत में बजट नहीं है। अभी कोरोना काल में पंचायतों में पैसा आया था साफ सफाई के लिए, नहीं मिला बिल्कुल। लो आपने साफ सफाई कोई की है नालियों की? सरपंच ने कहा ना हमने करी। क्या नाम है? पैसा बिहारी लाल।
सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब दोनों घर पर गए थे, कह रहे थे आवास बनवा देंगे 4000 रुपये दो, 4000 रुपये दे दिए हैं, अब कह रहे हैं कि 20000 रुपये दो जब बनवाएंगे, सूची में नाम आ गया है अभी बनवाने के लिए, कह रहे बनवा देंगे पहले पैसा दो 20000। हाँ बनाएंगे, कह रहे कि नहीं बनेगा। पंच सेक्रेटरी कौन कौन है? सरपंच श्री रेखा भाई, श्रीमती रेखा भाई, और सेक्रेटरी साहब हैं श्री श्री रामभुवन तिवारी। तो आते हैं, रहने वाले हैं। आते हैं कभी ग्राम पंचायत में? नहीं आते हैं, हमने तो दर्शन नहीं, पैसा लिए भर आते हैं, पैसा लेने भर। आपके पिताजी को आपके सामने आपके पिताजी ने आपके सामने पैसे दिए थे? हाँ हमारे सामने दिए थे। क्या बातचीत हुई थी? ये बातचीत हुई थी कि आवास सूची में नाम आ गया है और हम सूची 4000 रुपये दो जब आवास बनवाएंगे, फिर और फिर आप 20000 रुपये मांग रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हमारा नाम है दीपेंद्र सिंह राजपूत। मैं सरपंच है हुकम सिंह की घरवाली रेखाबाई राजपूत। इसमें है सचिव रामभुवन तिवारी जी। इसमें सब घोटाला चल रहा है तो पूरी पंचायत में सर, इसमें कोई ना काम होते हैं ना जारी होते हैं, पैसा सब खा चुके हैं सर। ये बताई हुई है अभी तक? यहाँ तो अभी शुरू होती है सर कार्रवाई, यहाँ विकास होता ही नहीं है सर। और जो बलराम तालाब बना है, जो बलराम तालाब में अपने अपने परिवार के अपनी पत्नी का नाम है, अपनी बहू का नाम है, अपने बच्चा का नाम है, और देख लो जहाँ मौके पे विकलांग जो उनके सर्टिफिकेट वाले वृद्धा पेंशन मिलती है विकलांग बारर को, उनके मस्टर पे नाम भरे, उनकी जरिया से पैसा निकाल के खा चुके हैं। अब आप तो इनके मौके पर जाँच की जाए, कलेक्टर साहब से मौके पर जांच की जाए, और हम गुनवर की टीम से जांच नहीं कराना चाहते हैं सर, हम जिला पन्ना की टीम से जांच कराना चाहते हैं, गुनवर नहीं कराना चाहते, गुनवर की टीम सब भ्रष्टाचार है सर, पैसा खा देते हैं, सरपंच सेक्रेटरी बने हैं, हम जिला पंचायत से जिला पन्ना से जांच कराना चाहते हैं। हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के निवासी हैं? जय है ककराहटा के सर, स्वराज भवन भैया किराए से है। कब से चल रहा है किराए पर? जा 3-4 साल से। क्या भरा हुआ है इसमें? भूसा आपने देखो है ना खुदाई। तो किसको किराए पे? पास पंचायत से पूछो आपको किसका दे हैं, का कौन दे हैं, पंचायत ही दे होंगे हमारे साथ से। सरपंच को मालूम होगा, कहते तो बहुत है भाई साहब, तो मजदूरन का भी पेमेंट नहीं मिलो गरीबनन का, और जे रोड वोड पूरी नाली जाम है। अभी अभी सरकार ने कोरोना काल में जो मजदूर वापस आए थे उनको काम दिया है मनरेगा के तहत, कितना काम हुआ है आपके गांव में? काम हमारे हिसाब से कुछ नहीं भाव। और पैसा निकाला गया? सब बताओ तो है कि निकालो आप तो खूब है, सरपंच से सेक्रेटरी से सबसे कोई नहीं सुना, गरीबनन के बेचारन के कछन के तो ऐसे भी है कि गल्ला भी नहीं मिला, पर्ची भी नहीं बनी, फिर भी कोई नहीं सुना, बोले भोपाल से बन के आओ इको पैसा लगे, जो है वो सेक्रेटरी से भी एक बार कही लेकिन नहीं सुनत को। अभी पूरी ठीक है जानकारी सी सी के और हमें सही के आवास के कुमार राजपूत। कहाँ रहते हैं? सेक्रेटरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।